आमंत्रित करना चाहते हैं, स्टेज पर बुलाना चाहते हैं सिल्वर स्टार की रिकॉग्निशन के लिए। सबसे पहले हमारे सिल्वर स्टार है जिनका नाम है मिस्टर, बुलाने जा रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस शशि शैलेंद्र सिंह परमार फ्रॉम निलाड़ी। प्लीज आप ऑन द स्टेज। जा रही हूँ मिस्टर एंड मिसेस शशि शैलेंद्र, प्लीज सर आगे आए और अपने बारे में कुछ बताएं। जोरदार तालियां सर के लिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह परमार और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों पहले तो मैं आप सबके लिए एक स्वागत करना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने जितना हम लोगों का स्वागत किया सम्मान किया, मैं तहे दिल से आप सारे लोगों का धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं इस बिजनेस को करने से पहले अपना ठेकेदारी का जॉब करता था और ठेकेदारी का काम करते करते मुझे करीब 9 साल हो गई थी, लेकिन कुछ बड़ा नहीं हो पा रहा था। और उसके कुछ समय बाद अभी जब हमने बिजनेस ज्वाइन किया उससे कुछ समय पहले हमारे पास हमारे पापा और मयूर सर जी आए और इन्होंने हमें प्लान दिया। तो सबसे पहले मैं मयूर सर और अपने पापा जी के लिए जोरदार ताली बजवाना चाहूंगा। दोस्तों मैं इस बिजनेस को करना ही नहीं चाहता था क्योंकि मैं था ठेकेदार और मुझे आते थे महीने में 40-50 हजार। इसलिए मैंने कहा कि मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगा, ये छोटा काम है, लोगों के पास जाना पड़ेगा और उन्हें समझाना पड़ेगा और मैं ये काम नहीं कर सकता। तो मेरे मयूर सर जी ने बताया कि शैलेंद्र जी इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप काम के लिए भी दूसरे लोगों के पास जाते हैं और वहां भी आपको जाना ही पड़ता है लोगों के पास, लेकिन वहां आप जब तक जाएंगे तभी तक आपको पैसा आएगा और यहाँ आप कुछ समय जाएंगे और जाने के बाद कुछ समय बाद एक बहुत बड़ी टीम होगी आपके साथ और उसके बाद आपको एक रॉयल्टी इनकम मिलेगी यहां से, जब आप डायमंड बन जाओगे। तो इसलिए आप इस काम को करें। तो तब भी मेरी समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने क्या किया कि आदमी मानता नहीं है, प्लान देखने के बाद ना पहले 2-4 लोगों को समझाने चला जाता है। तो मैंने भी शुरू में वही गलती की, मैं भी जाके और अपने जितने दोस्त थे सारे लोगों को मैंने प्लान दे दिया। मैंने 30 दिन में 60 लोगों को प्लान दिया और मयूर सर जी जब वहां पहुंचे तो 60 लोगों में से एक भी बंदा मेरे साथ आने को तैयार नहीं था। मयूर सर ने कहा शैलेंद्र जी क्या हुआ? मैंने कहा सर क्या पकड़ा दिया आपने कि 60 आदमी में से एक आदमी आने तैयार नहीं है, एक। सर ने कहा शैलेंद्र जी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा सर मैंने 60 लोगों को बताया लेकिन एक आदमी आने तैयार नहीं है। तो सर ने कहा क्या आपने ट्रेनिंग ली? मैंने कहा नहीं सर। क्या आपने बुक पढ़ी? मैंने कहा नहीं सर। क्या आपने ऑडियो वीडियो सुने? मैंने कहा सर वो भी नहीं सुने। सर ने कहा आप 60 को नहीं, आप 6,000 को दिखा दो, आप 7,000 को दिखा दो, तब भी कुछ नहीं होने वाला है। मैंने कहा सर तो फिर काम होगा कैसे, आप ये बताएं। तो सर ने कहा आपको लगातार फ्राइडे की ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी और संडे का जो सेमिनार होता है वो अटेंड करना पड़ेगा और सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा और सिस्टम को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके साथ काम होगा।
दोस्तों मैंने सिस्टम को जैसे जैसे सिस्टम को फॉलो किया, सीखना स्टार्ट किया, उसके बाद मेरा काम भी हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मेरा जो नेटवर्क है वो दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, मुंबई, विशाखापट्टनम, हैदराबाद और शिलोंग और चुरू अभी तक और लुधियाना, 9 जगह मेरा काम चल रहा है। और छोटी सी थैंक यू, और अभी छोटी सी टीम है 250 लोगों की। लेकिन मैं अभी एक बात कह रहा हूं सर, अभी आज तो जुलाई हुई है, अभी तो इस साल में अभी 6 महीने बाकी है और 6 महीने में ना मैं पर्ल बन के दिखाऊंगा यहां से। ओ अपनी वाड़ी को मैं यहीं विराम दूंगा, कहीं और सारे लोग भी हैं, इनका नंबर भी आना है। आप सारे लोगों ने मुझे तहे दिल से सुना, उसके लिए थैंक यू।